नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ गौतम एडिविट ग्रास से और आप हमारे यूट्यूब चैनल शशि एंड गौतम किचन गार्डनर्स पर। 15 दिसंबर को हमने एक वीडियो अपलोड किया था आलू की फैक्ट्री यानी कि पोटैटो टावर। आप लोगों ने उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, काफ़ी पसंद किया था उसको और बोला था कि इसका अपडेट हम आपको जरूर दें। तो लीजिए, आज हाजिर हैं उसके अपडेट के साथ में। वैसे तो आलू की वेराइटी पर डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन में हार्वेस्ट करना है, लेकिन आमतौर पर जो आलू हैं ज़्यादातर 90 दिन की पीरियड के बाद में हार्वेस्ट होते हैं। उसके बाद में आप ये भी देखते हैं कि अगर इसकी जो तना है, स्टेम है, उसके पत्ते सूखने लग जाएं तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि इसको आप हार्वेस्ट कर लें। अपने 5-6 साल के गार्डनिंग के एक्सपीरियंस में हमने अभी तक आलू नहीं उगाए थे, लेकिन चूंकि आप लोगों के साथ में ये पूरा प्रोसेस शेयर करना था, आलू उगा के आपको दिखाना था, तो हमने अटैम्प्ट किया आलू उगाने का। और अगर हमसे पूछे तो हम अपने इस पूरे एक्सपीरियंस में काफ़ी खुश हैं। पहला रीज़न ये है कि हमने जो आलू ग्रो किया उसमें हमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ वगैरह नहीं मिली। जितने भी आलू हमें इसमें से निकले वो सारे बड़े साफ़ सुथरे, बगैर किसी बीमारी के निकले। तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा कि हमने इसमें इनपुट डाले थे जैसे रूट ग्रोथ प्रमोटर और एंटीफंगल वगैरह, तो उसने अपना काम किया, हमारे आलू में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। दूसरा एक चीज़ हमने ये देखी इसमें कि जो हमने आलू इसमें प्राप्त किए, जो ईल्ड हमें मिली, जो फसल मिली, वो बड़े आराम से दुगनी हो सकती थी। अगर आप पूछे कैसे, तो इसमें जो हमने बीज इस्तेमाल किए थे, जो लोकल मार्केट में छोटे साइज़ के आलू थे, हमने वही लगा दिए थे जिनमें आंखें निकली हुई थी। लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया, थोड़ा सा हमने जिसको रिसर्च किया, इस चीज़ के बारे में और जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि आपके आलू की फसल इस पर भी डिपेंड करती है कि आपके जो बीज हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और अभी इधर आपका हम दिल्ली के पास में मोदीपुरम में एक आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पर भी मैंने बात की, तो उनका भी कहना था कि अगर आप सेम कंडीशन में अगर अच्छे बीज लगाते हैं तो आपकी आलू की फसल डबल भी हो सकती है। तो इस तरह से जो पहला पार्ट था कि हमें एक डिजीज़ फ्री बगैर बीमारी के आलू उगाने थे, वो तो हमने सक्सेसफुली कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर हम इसमें बीज भी अच्छे लगाते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आलू की फसल अभी मिली है उसे हमें डबल फसल मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों ने अगर फॉलो किया है एज ए सीरीज़, क्योंकि 3-4 वीडियो हैं मेरे आलू उगाने के बारे में, तो आप उसको सक्सेसफुली फॉलो कर सकते हैं, वही चीज़ दोहरा सकते हैं और आपके यहाँ पे भी सक्सेसफुली आलू ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि आलू के जो बीज आप लगाएं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। आइए जो पोटैटो टावर या आलू की फैक्ट्री का जो हमने निर्माण किया था, बनाया था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट अपने आप में थोड़ा सा सक्सेसफुल कहा जा सकता है, बट इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी की जा सकती है। हमने इसमें नोटिस किया, जो हमने इसमें पूरी हाइट में, इसकी हाइट करीब आपकी 2.5 फुट से 3 फुट के आसपास थी, इस पूरी हाइट में हमने जो साइड में विंडोज़ डाली थी, विंडोज़ यानी जो हमने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो, जो बोतल कट करके हमने इसमें लगाई थी, जिसमें हमने आलू इसकी जो हाइट वर्टिकली साइड पे ग्रो करने के लिए लगाए थे, उसको हम लोग ज़्यादा कर सकते थे। क्योंकि मैंने इसमें नोटिस किया कि जिस भी लेवल पर आलू थे उसको, और दूसरे लेवल पर जो आलू थे, मतलब जो ऊपर वाली खिड़की और नीचे वाली खिड़की में जो गैप था, उसमें बीच में आलू नहीं थे, तो वहाँ पे मुझे एक ये लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर मैं वहाँ पे एक बीच में एक और खिड़की बना देता एक साइड पे, तो वहाँ उस साइड पे मुझे आलू मिलते। और दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरी इसमें ये थी कि जो पानी डालने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती थी, जब हम उसमें ऊपर से पानी डालते थे तो हमें ये नहीं पता चलता था कि पानी नीचे तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। उस केस में फिर हम लोग थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देते थे, और जैसे अगर आपने देखा, अभी आप देखेंगे जो नीचे वाली मिट्टी निकालूंगा थोड़ी सी आपको गीली मिलेगी, जबकि हमने इसमें पानी देने 1 हफ्ता पहले बंद कर दिया था। तो उस केस में इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको बीच में जैसे एक जो ड्रेनेज की पाइप आती है, जो करीब 2 इंच की पाइप आप ले सकते हैं, 3 इंच की पाइप ले सकते हैं, वो पाइप आप सेंटर में लगाएं और उस पाइप में अगर आप होल कर दें, तो जब आप उस पाइप में पानी डालेंगे ऊपर से, तो पानी सीधा नीचे तक जाएगा और होल के थ्रू इवनली एक बराबर ऊपर से नीचे तक पानी आपका वाटरिंग होगी। क्योंकि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि ऊपर से पानी डालने में ज़्यादा पानी डालना पड़ता था, तब जाके नीचे तक पहुँचता था और फिर वो पानी जाके नीचे इकट्ठा हो जाता था। तो आलू एक ऐसी फसल है, इसमें अगर मॉइस्चर तो चाहिए, लेकिन अगर पानी ज़्यादा लगा रहेगा तो फिर आपके आलू जो वो सड़ सकते हैं। तो हमारे तो नहीं सड़े, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसी कोई चीज़ बनाऊँगा, तो मैं बीच में एक पाइप, जो ड्रेनेज पाइप 2 इंची का या 3 इंची का डाल के उसके अंदर होल करके साइड में मैं बीच में सेंटर में लगाऊंगा, जिससे कि जब मैं इसमें पानी डालूं तो पानी थोड़ा थोड़ा करके इवनली ऊपर से नीचे तक बराबर पूरी मिट्टी को मिले, ना कि ज़्यादा पानी डालना पड़े जिससे ऊपर अटक जाए या नीचे ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, इसमें हमने जो ग्रोइंग मीडियम यूज़ किया था कोकोपीट यूज़ किया था। कोकोपीट में ही हमने डायरेक्ट कुछ पार्ट वर्मी कंपोस्ट, कुछ रूट ग्रोथ प्रमोटर, कुछ पार्ट आपका एंटीफंगल और कुछ पार्ट बोन मिल का डाला था। तो एक ये भी फाइंडिंग आप कह सकते हैं कि आप अगर चाहें तो कोकोपीट में भी जो है आलू को उगा सकते हैं, ये भी एज ए ग्रोइंग मीडियम यूज़ किया जा सकता है, उसमें भी आपका आलू ठीक से उग सकता है।
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे में इसका जो है वाटर थोड़ा सा रह गया था, एक हफ्ता पहले हमने पानी देना बंद कर दिया था, फिर भी आप इसका जो नीचे वाली जो कोकोपीट देखेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा गीली लग रही है, हाथ भी आप जिसको छुएंगे तो थोड़ा सा गीला सा लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हम लोग पानी डालने का जो हमने सिस्टम बनाया था, या इनफैक्ट कहें कि नहीं बनाया था, उसकी वजह से जो नीचे पानी थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था, तो एक पाइप सेंटर में डाल के पानी को आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हैं उस पाइप को कि पानी आपको ऊपर से नीचे तक एक बराबर पहुँचे, नीचे तक पानी पहुँचे, उसके चक्कर में आपको ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी डालना पड़े जैसे हमें डालना पड़ा, उसका रिजल्ट रहा कि जो नीचे शायद पानी ज़्यादा इकट्ठा रहा, और शायद इसीलिए नीचे वाली आप जो मिट्टी देख रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा आलू नहीं दिख रहे हैं, ऊपर की जो दो खिड़कियाँ थी और जो टॉप में जो आलू थे उसमें आपने देखा आलू काफ़ी निकले, बट नीचे वाले में इक्का दुक्का आलू दिख रहे हैं आपको। तो मे बी मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से या दबाव की वजह से, ये भी एक फाइंडिंग है कि ऊपर की तरफ जो दो खिड़कियाँ थी और जो ऊपर हमने टॉप में आलू लगाए थे उसमें हार्वेस्ट ज़्यादा हुआ है बनस्पत जो सबसे नीचे वाला जो आपकी खिड़की थी उसके थ्रू जो प्लांट ग्रो हुआ था, प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हुई थी बट मैं ये देख रहा हूँ कि आलू उसमें ज़्यादा नहीं लगे हैं। लेकिन आलू ज़्यादा ना होने का कारण एक ये भी है कि आलू के बीज का चयन हमने नहीं किया था, जो भी अवेलेबल हमारे पास थे वो हमने लगा दिया था। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी अटैम्प्ट करूँ, जो शायद मुश्किल लगता है जगह की वजह से, क्योंकि 3 महीने या 3.5 महीने वेट करने के बाद में कुछ आलू पाना वो मेरे को समझ में नहीं आता। मुझे एक ऐसे प्लांट समझ में आते हैं कि उनको आप एक बार लगा लें तो अगले 8-9 महीने तक लगातार आपको कुछ ना कुछ दें, जैसे कि आपका लौकी हो गया, करेला हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, इस तरह के प्लांट मुझे समझ में आते हैं जो लगातार आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। आलू आपका जो है 3-3.5 महीने जगह घेरते उसके बाद में फिर आपको अगर एक गमले से 15-20 आलू मिल जाते हैं तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोग को दिखाना था तो इसलिए हमने अटैम्प्ट किया था, लेकिन अगर मैं करूँगा अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो डेफिनेटली मैं दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर जाके अच्छे बीज लेके आऊँगा और उन बीज के साथ में मैं आलू को बोना चाहूँगा, जिससे कि मेरा जो एक्चुअल में रिजल्ट है अब जो है उससे करीब डबल आया और डबल से भी ज़्यादा आया है। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो अपडेट हार्वेस्ट का, पोटैटो टावर का, आपकी काफ़ी डिमांड थी तो देखिए आपके सामने है। आप अपने इसके बारे में जो आपकी राय बनती है, इसके आपके जो कमेंट्स हैं उसको जरूर मेरे चैनल पे लिखें और बताएं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। मेरी वेबसाइट पे भी आप विज़िट करें, वहाँ पे जो अवेलेबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दूसरे गार्डनिंग टूल्स वगैरह हैं उनको देखें, अगर आपकी पसंद का कोई चीज़ है वहाँ पे तो उसको मंगा के हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में, तब तक शशिका और मेरा आप सबको नमस्कार।